भारत ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप यानी कि RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता देश के हित में नहीं है, खासकर चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होना देश के हित में नहीं। आपको बता दें कि RCEP समझौते पर 2020 में हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 15 एशिया प्रशांत देश शामिल हुए और ये 2022 में प्रभावी हुआ। इस समझौते के तहत ये देश दुनिया की 30% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि भारत ने 2019 में इस समझौते से हटने का फैसला किया। दरअसल कुछ अहम मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है जो देश के हित में नहीं। अब आपको बता दें कि आखिर भारत ने RCEP में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया है, उसके पीछे का कारण क्या है। मेरे पीछे जो ग्राफिक्स चलेंगे उसे विस्तार से देखिए। दरअसल भारत का कहना है कि इसमें शामिल होने से किसानों और छोटे उद्योगों को नुकसान होगा। ये समझौता भारतीय किसानों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के हित को पूरा नहीं करता है। चीन के साथ मुक्त व्यापार भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। भारत का आरोप है कि चीन की व्यापारिक प्रथाएं क्लियर नहीं। चीन सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद वैश्विक बाजारों में भेज रहा है, जिसमें क्वालिटी वाले सामान पर असर पड़ता है। स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। सौर पैनल, कार और स्टील जैसे उत्पादों में चीन की सस्ती निर्यात नीति अन्य देशों के उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही है। अब समझौते में क्या क्या था, इसे गौर से समझिए। RCEP एक व्यापारिक समझौता है। सदस्य देशों के साथ व्यापार को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। आयात निर्यात पर टैक्स या तो नहीं देना पड़ता है, या फिर अगर देना भी पड़ता है तो वो टैक्स बहुत कम होता है। 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के शामिल होने का प्रावधान था। अब भारत इससे दूर ही रहेगा, ऐसा फैसला भारत ने कर लिया है। RCEP को लेकर भारत में लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि भारत का जो स्थानीय उद्योग है वो चीन के सस्ते सामान के बोझ तले दब गया है। यहाँ तक कि भारत के लघु उद्योग पर भी इसका एक बड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए भारत ने ये फैसला लिया है।